नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चैनल नंबर 11 पर आ, हम हाजिर हैं लेकर अपना आज का ये 12 बजे का सेशन जो कि होता है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लास के लिए एंड टूडे वी हैव ऑफ क्लास सेलेवन एंड द सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं मिस पायल सैनी को जो कि स्क्रीन शेयर कर रही हैं पायल नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है पायल uh, जो है इंटरप्रेटर है और हम आज जो भी बात करेंगे उसे ये साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट uh, करेंगे पूरे चैप्टर को पूरे लेसन को जो भी डिस्कशन होने वाला है आज इस लाइव इंटरेक्टिव क्लास में uh, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं आप चाहें तो एट एट जीरो जीरो फोर फोर ज़ीरो फाइव फाइव नाइन पर फ़ोन कर सकते हैं या हमें क्लास एलेवेंथ की ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज का ये हमारा आज का सेशन है एंड द टॉपिक इज प्राइवेट public and global enterprises. Uh, this is the chapter third uh, from your textbook of business studies. Uh, we have Ms. Shivani Nagarath uh, in the studio. Uh, Shivani ji, Namaskar and a very warm welcome. Yeah, she is the head of uh, the Department of Commerce from Summerfield School, uh, Delhi. So we welcome you again in this session uh, as we are talking about a very important topic. Uh, we are, you know, going to discuss about business of India, economic, uh, you know, backbone of India.

कैपिटलिज्म okay. और सोशलिज्म hmm. दोनों के एलिमेंट्स रहेंगे ओके okay. सोशलिज्म में वेलफेयर होता है yes. तो जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू बिजनेसेस रन करेगी प्राइवेट hmm. सेक्टर का रोल प्रॉफिट के लिए है उनके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट की तरफ ज्यादा है राधर देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द होल कंट्री तो ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने अपने शोल्डर्स पे ले ली okay. की जो बिजनेस का वो एस्पेक्ट है जहाँ हम मास मासेस के लिए ट्रेन रन कर रहे हैं पोस्टल right. डिपार्टमेंट का जो हमारा नेटवर्क yes. है mm -hmm. या इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नाम हमारे सब बच्चों ने सुना, सुना होगा तो ये सब का रोल हमारे पब्लिक सेक्टर के पास आया ठीक है अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है mm. सो सर वो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में बटी हुई है चैप्टर टू mm. में हमारे प्यारे बच्चों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी की बात की और साथ में मल्टीनेशनल नेशनल कॉरपोरेशन एम ये सब प्राइवेट सेक्टर में आता है okay. आज हमारी जर्नी है पब्लिक सेक्टर में hmm. और आज का जो टॉपिक है चैप्टर थ्री में हम आज फोकस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और स्टैचूटरी कारपोरेशन पे एक तीसरा एलिमेंट है पब्लिक सेक्टर का वो है गवर्नमेंट कंपनी Hmm. तो जो कंपनी इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों है hmm. हम ये सुनते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में भी हमने नाइन टेंथ में इस बारे में सुना है तो बिजनेसेस जो होते हैं बड़े और छोटे या प्राइवेटली रन हैं या गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस हैं गवर्नमेंट को अपनी नेशनल प्रायोरिटीज देखते हुए कि नॉर्थ ईस्ट माउंटेनस रीजन mm -hmm. जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है रूरल एरियाज वहां पे भी एडिक्वेट बिजनेस डेवलपमेंट हो जो शायद प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है तो गवर्नमेंट का रोल मिक्स्ड इकोनॉमी में और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में यही है कि हम जो अपने देश की प्रगति के लिए जो गोल सेट कर रहे हैं जिसमें हर नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले mm -hmm. सबको एम्प्लॉयमेंट मिले उस विजन से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक सेक्टर का रोल भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखा तो कुछ उसमें स्लाइड डिफरेंस जो है आप कह रही हैं वो यही है कि उनके जो प्रायोरिटीज हैं उनके जो गोल्स हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस इधर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर लेकिन उनका जो अल्टीमेट गोल है वो थोड़ा वेलफेयर और प्रॉफिट का है ये थोड़ा डिफरेंस कहा जा सकता है राइट बिल्कुल तो गवर्नमेंट का वैसे रोल एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है जी. पर अब बिजनेस में किस लिए है ये रोल 1947 के बाद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसाइड किया कि देश की ऑल राउंड प्रगति के लिए हमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एरियाज अपने पास रख लेने चाहिए जैसे स्टील एंड आयरन एंड स्टील कोल इसमें भी प्राइवेट प्लेस थे उस जमाने में mm -hmm. पर गवर्नमेंट का एक विशेष रोल रहता है कि वो हेवी uh, इंडस्ट्रीज को सेटअप करते mm -hmm. हैं कंट्री की नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए राइट right. तो प्राइवेट सेक्टर लेट्स रिवाइज कि प्राइवेट सेक्टर इज बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली Cooperative Society and Company. Hmm. और हमारे प्यारे बच्चों ने चैप्टर टू में ये सब पढ़ रखा है hmm. आज की हमारी hmm. बात है चर्चा है पब्लिक सेक्टर की विच इज ओं एंड मैनेज बाय द गवेंट इट मे बी पार्शली पार्टली और होल्लीय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में फेडरल सिस्टम है सेंट्रल तो गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की गवर्नमेंट या बिहार की गवर्नमेंट उनके साथ टाई अप करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेस रन करते हैं सो पब्लिक सेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट सो ये गवर्नमेंट का रोल है बिजनेस में ओके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे कंट्री में तीन तरह के हैं तीन नाम से जाने जाते हैं एक कैटेगरी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, दूसरी कॉरपोरेशंस और तीसरी गवर्नमेंट कंपनी और आज हमारे बच्चों के साथ चर्चा रहेगी पहले दो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन की तो अगर हम अपना कॉन्सेप्ट मैप देखें तो इंडियन इकोनॉमी में दो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बारे में हमने चैप्टर टू में बात कर ली थी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एक्सेट्रा आज हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स स्टैचुटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज सर क्योंकि हमारा फोकस इंक्लूसिव क्लासरूम में है जी. तो हम थोड़ा पेस अपना स्लो रखकर और बच्चों को इजीली कॉम्प्रिहेंड हो जाए तो थोड़ा सा हम उन टॉपिक्स को उन नेम्स को रिपीट कर रहे हैं प्लीज सो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन uh, पर कि हमने फोकस किया है फर्स्ट वाले पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग hmm. ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं बच्चों को पता है उन्होंने सुन रखा है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम भी सबसे पहले ट्रेन चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे यस 1853 yes. उससे रखी रखी गई रखी गई फाउंडेशन इंडियन की हुँ. तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बनाई रेलवे की हुँ. आज भी रेलवे मिनिस्टर है, पर हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 1947 टू तो आज के टाइम में रेलवे की प्रायोरिटी एरिया उनकी फंक्शनिंग में बहुत चेंज आ रहा है हुँ. जैसे पहले रेलवे का बजट था आज हुँ. के टाइम में सेपरेट बजट नहीं बन रहा है तो हमें ध्यान में रखना है कि बिजनेस स्टडीज एक बहुत डायनमिक सब्जेक्ट है hmm. तो ऐसा नहीं है कि जो हम आज एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कल भी वैलिड रहेगा एंड ये पब्लिक सेक्टर में बहुत चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज वी हैव टू टू विद द प्राइवेट सेक्टर तो कमिंग बैक वी वर टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग द कॉन्सेप्ट इज दैट दीज एंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिस्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री तो एक मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्ट्री पोस्ट एंड टेलीग्राफ की मिनिस्ट्री है ऐसे ये एक मिनिस्टर रहते हैं और जो सारी गवर्नमेंट की ये बिजनेस होता है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दैट मिनिस्ट्री इट अब गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट का ये इंटीग्रेटेड पार्ट है उनके पास अपनी अटोनमी और फ्रीडम नहीं रहती और दे आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज बच्चों हमने कंपनी के बारे में पढ़ा है चैप्टर टू में कंपनी हैज एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है hmm. उसकी आइडेंटिटी अलग नहीं है लीगल एंटिटी अलग नहीं है वो गवर्नमेंट ही है इट्स आइडेंटिटी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फंक्शनिंग है उनके ऑफिसर्स के थ्रू तो रेलवेज में ऑफिसर्स हैं पोस्टल एंड एंडिक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स mm -hmm. हैं बाकी हैं सब उनके एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय uh, माना जाता है वो गवर्नमेंट में वर्क करते हैं अब hmm. कई बार उनकी ट्रांसफर भी होती है एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में सो दीज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मे बी अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रूल्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल दो सिंपल एग्जाम्पल जो हमारे बच्चे एक्सपीरियंस कर चुके हैं हर बच्चे ने ट्रेन जर्नी नानी के घर गए हैं ट्रेन में तो रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये ईमेल और जूम मीटिंग से पहले के टाइम में हम चिट्ठी लिखा करते भिल्कल। थे लेटर बॉक्स आज भी देखते हैं लाल yes, रंग का yes. तो ये सब रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ दो ऐसे कॉमन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है हर भिल्कल। भिल्कल। बच्चे ने ये लोगो देख के याद आ गया होगा ट्रेन और yes. पूरी उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज और हमारे यहाँ रेलवे का बहुत पुराना इतिहास रहा है अगर आप ये पिक्चर्स देखें तो आपको भी कुछ नोस्टैल्जिया और वो प्लेटफॉर्म एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट जो पिक्चर है ये शायद प्री-इंडिपेंडेंस की है बिल्कुल और आज के टाइम में हम हमारे ही कंट्री में बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं बिल्कुल और, है। और बुलेट ट्रेन सपना साकार भी होने वाला है बुलेट ट्रेन जो है जापान का concept concept है, वहाँ है से, शिंकान से yes. तो अगर हम आज देखें जापान ने इंडस्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी ट्रेन नेटवर्क को रेलवे को प्राइवेटाइज okay. कर दिया बट इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि hmm. नहीं अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्री की लाइफलाइन है लाइफलाइन टू द नेशन इंडियन रेलवेज बिल्कुल हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट क्या बढ़िया नेटवर्क है छोटे किसी गांव और कस्बे में भी आपको और कुछ मिले ना मिले आपको पोस्ट ऑफिस जरूर, जरूर मिलेगा पोस्ट yes. जरूर और जो पोस्टमैन है वो बहुत वाइटल लॉजिस्टिकली रोल प्ले करते हैं बिल्कुल और हम यहां पर टेरेन की भी बात करेंगे इसकी इसकी वजह से जो आपने कहा कि ऐसे भी कुछ दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर जा पाना संभव ही नहीं है वहां पर पोस्टमैन जो है वो जाते हैं और इसी वजह से ये नेटवर्क जो है बहुत कीमती है हमारे लिए तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा ये प्रॉफिटेबल नहीं है yes. ऐसे रेलवे स्टेशन जहाँ कम पैसेंजर्स हैं हम ये आ, बाकी कंट्रीज में जापान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कई जगह पे वहाँ ट्रेन के रूट बंद हो रहे हैं क्योंकि जापान में प्रोफिटेबिलिटी नहीं है, है वहां की तो खैर पॉपुलेशन का अलग सीन है तो हम देखते हैं हमारे कंट्री में ये जो पोस्टल नेटवर्क है या रेलवे है गवर्नमेंट के रोल होने की वजह से वो प्रॉफिट को नहीं देखते वो सिटीजन्स की सुविधा को देख रहे हैं तो कुछ और एग्जाम्पल्स है पहले पोस्ट टेलीग्राफ रेलवे ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन आर्मी की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है पर आज ये रोल चेंज हो रहा है द टाइम वी आर टॉकिंग आज yes. भी इतना चेंज हो रहा है hmm. कि रेलवेज इन फ्यूचर में नॉट बी पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर टोटली आज भी रेलवे के कुछ पार्ट्स है जो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एफिशंसी तो अब हम चल के देखते हैं कि फीचर्स क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के इनकी फंडिंग डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आती है mm -hmm. और इसलिए उनको ऑडिट और अकाउंटिंग का कंट्रोल भी गवर्नमेंट में रहता है mm -hmm. अगर लॉसेस हैं उन्हें कोई चिंता नहीं है नेक्स्ट ईयर फिर उन्हें गवर्नमेंट से पैसा मिलता है mm -hmm. इसलिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी का विच इज बोथ गुड एज वेल एज बैड अब गवर्नमेंट के इम्प्लॉयज हैं इम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री जहां एक मिनिस्टर है तो दे आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर अब हम आते हैं मेरिट्स और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के तो ये जो है इट इट फेसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो सकता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग डिपार्टमेंटलटेल पार्लियमेंट क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी में पब्लिक लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन एवरीवेयर डिस्कशन कैन हैपन अबाउट द प्रायोरिटीज हमने अपना मनी लिमिटेड जो है टैक्स पेयर्स मनी वो कहा यूटिलाइज किया

पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, दे ऑल आर सक्सेसफुल और दे आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट ऐसा कुछ है। सो so, हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का रोल इकोनॉमी में इक्वली इम्पोर्टेंट है, hmm. या आज के टाइम में शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन 1991 से लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन hmm. तो पब्लिक सेक्टर का रोल अभी श्रिंक हो रहा है hmm. और प्राइवेट सेक्टर का एक्सपैंड हो रहा है hmm. तो पब्लिक सेक्टर का रोल आज उधर तक सीमित रह गया है जहाँ मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है जैसे डिफेंस रेलवेज hmm. में हम देखेंगे कि केटरिंग रेलवे की जो फूड एंड बेवरेज सर्विस हाउस उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्योंकि लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कि दे आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग में डिले होते हैं इतनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं मिलती एंड दीज एंटरप्राइजेस आर अनएबल टू टेक दी एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से डिसीजन हो रहे हैं कई बार ओवर कॉशियस कॉन्जरवेटिव रिस्क mm टेकिंग -hmm. नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल है एंड रेड द कस्टमर नीड्स क्योंकि डिसीजन नहीं ये ले रहे प्रॉम्प्टली कि कस्टमर को हम क्लीन वॉशरूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं गुड क्वालिटी फूड क्योंकि वो पूरा एक लार्ज सेटअप है तो कई mm -hmm. बार डिसीजन मेकिंग

राइट right, वहाँ पे एक पर एक शॉपकीपर होता है वो शुरू वहाँ शुरू वहाँ से हो रहा है बट ये जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया है या ट्वेंटी सेंचुरी में जब हम आज दो दशक पूरे कर चुके हैं तो ये सब जो आपने कहा कि बहुत डायनेमिकली चेंजेस हो रहे हैं इन दी इंटायर बिजनेस स्टडीज तो वो बच्चों को इंक्लूसिव क्लास में कैसे हम ट्रांसमिट कर पाएंगे uh, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास विजुअली एम्पैर्ड बच्चे भी हो सकते हैं और इस तरीके के भी बच्चे हो सकते हैं जिन्हें शायद देखने में तो आसानी हो लेकिन सुनने में नहीं हो तो उसके लिए जैसे हमारे पास पायल है वो इंटरप्रेट कर रही है तो और क्या क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं हम डिस्कशन मोड की बात करते हैं कि हमें देखना है कि 1947 में हमारे कंट्री का क्या सिनारियो था तो ये हम हर बच्चे के साथ डिस्कस करते कोई बच्चा है जो अगर विजुअल ना देखकर वो Uh, सोचता है कि मैं सुन लूं तो फिर उनके लिए हम वेबसाइट्स जो बच्चे विजिट करते हैं वो टेक्स्ट टू स्पीच मोड में कर सकते हैं एक्सपीरियंस जो बच्चा विजुअल देखकर कंफर्टेबल है वो उसको हियरिंग में इशू है उनके लिए हम उनको पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल एक इंटरेस्टिंग बात है कि एवरीडे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स रिलेटेड पब्लिक सेक्टर क्योंकि ये हमारी नेशनल प्रायोरिटी के लिए हैं mm -hmm. और स्पेशल प्लेस है हर बिजनेस पेज ऑफ नेशनल डेलीज में yes. एक वंस अ वीक या एवरीडे वो आर्टिकल जरूर yeah. आपको मिलेंगे कि रेलवे में क्या प्रगति हो no, रही right, है पोस्टल right. डिपार्टमेंट <coughs> में तो टीचर्स उन बच्चों को इंकरेज करके की वो न्यूज पेपर आर्टिकल्स को कटआउट करके पेस्ट करें अपनी फाइल में हुँ. ऐसी एक्टिविटी जो कन्वीनियंट है बच्चे को हुँ. और अगर बच्चा uh, विजुअल चीज में नहीं इतना रुचि ले पा रहा है तो ऑडियो में उसको काफी पॉडकास्ट हैं जहाँ डिस्कशन होते हैं न्यूज mm पेपर -hmm. में हम देखते हैं बिजनेस न्यूज़ सुनते हैं mm -hmm. या एवरीडे न्यूज में भी रेलवे और टेलीग्राफ अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का पब्लिक इशू uh, आया, आया है yes. तो इस तरीके से बात क्या है कि ये सेक्टर चेंज हो रहा है जो नाइनटीन में था उसके बाद नाइनटीन में प्राइवेटाइजेशन हुआ आज 2022 वी आर इन द थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी तो इतना चेंज आ गया है hmm. अब हम चलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्टैट्यूट होता है लॉ ओके okay. तो अब ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनते हैं hmm. ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है अब इसमें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में ऑटोनॉमी है उसमें इतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है बट सारा आता है उसका अस्तित्व जो है वो गवर्नमेंट से ही फॉर्म हुआ है हुँ. पर जो हमने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर के गुण मिसिंग हैं वो हमने प्राइवेट स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के थ्रू ऐड करने की कोशिश की okay. तो जो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन की पूरी एक्टिविटीज की बाउंड्री है वो जो एक्ट है लॉ है उससे डिफाइन होती है उसकी ऑब्जेक्टिव पावर्स प्रिवलेजेस और उसके पास पावर है कि वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले उनके इम्प्लॉय जो हैं वो जनरल गवर्नमेंट के नहीं है दे आर स्पेशली वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कॉरपोरेशन इससे क्या है कि मेरिट है कि वो हाई डिग्री ऑफ ऑटोनोमी है और वो डिसीजन जो हैं वो वैल्यूबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं और जो से प्राइवेट सेक्टर फ्लेक्सिबल है तो कुछ हद तक उनके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है टू टेक मेजर डिसीजंस पर कहा जाता है कि ये सब ऑन पेपर ज़्यादा है hmm. पर जो लिमिटेशंस पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस uh, करते हैं वो रहती, वो रहती है यहाँ तो पॉलिटिकल इंटरफ़ेरेंस और डीलिंग विद द पब्लिक में थोड़ा करप्शन वी मे नॉट लाइक टू इट, बट देन इट डज एग्जिस्ट एंड गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू दिज कॉरपोरेशन बोर्ड तो इस तरीके से थोड़ी फ्रीडम कर्बड रहती है और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन है जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन अब बच्चों की सुविधा के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं अगर थोड़ा टाइम है हमारे पास यस प्लीज वी हैव सो कैसे एस्टेब्लिश हुए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक मिनिस्ट्री से और ये जो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन जिसका एक और नाम है पब्लिक कॉरपोरेशन वो फॉर्म हुए थ्रू एन स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट पर जो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन है उसके पास सेपरेट एंटिटी है दे कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टी ऑन देयर ओन कैपिटल जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वो गवर्नमेंट के बजटरी अप्रोप्रिएशन से मिलती है और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन जो है उसको गवर्नमेंट होल एंड सोल लुक आफ्टर करती है तो ऐसे कोई बजेटरी अप्रोप्रिएशन नहीं पर जब फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई तो गवर्नमेंट उनको देती है और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मैनेजमेंट इज बाय ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री वेर एज इन केस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इट्स अ मोर कॉरपोरेट इन स्ट्रक्चर तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है थोड़ा ऑटोनमी है डिसीजन मेकिंग में ज्यादा पोलिटिकल इंटरफेयरेंस नहीं है क्योंकि कोई मिनिस्टर इज नॉट इन चार्ज ऑफ दिस

अटोनमी या फ्रीडम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इतना फ्रीडम नहीं है क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट नाउ स्टैचु आर अ शेड बेटर देर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस इन देर डे टू डे अफेयर्स सो वेर आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल इन डिफेंस इन पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड स्टैचरी कार्पोरेशन आर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा राइट तो, right. right. तो चलिए अब हम आप पहुंचे हैं तक, तो मैं पायल से कहूंगा कि आप इन की हम सबको बताएं कि कैसे साइन लैंग्वेज में साइन किया जाता है पहला है पब्लिक सेक्टर departmental undertaking, statutory hmm, thank you अंडरटेकिंगल तो ये कीवर्ड्स आपने आज के हमारे इस सेशन में पढ़े जो हम जब पढ़ रहे थे तो हमें वहां मिले की uh, से एक बात और भी यहाँ आती है कि तमाम ऐसे शब्द होते हैं बिजनेस स्टडीज में खासकर जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि सब बच्चे जो है क्लास में इंक्लूसिव क्लासरूम की वैसे भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंक्लूसिव का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं जाहिर सी बात है किसी की ग्राफिकिंग पावर कम है किसी की ज़्यादा है किसी का पिकअप बहुत अच्छा है वहाँ पर ये जो डीलिंग है बच्चों के साथ वो कैसे होती है बिजनेस पढ़ाना कितना मुश्किल मुश्किल है है एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि आज का बच्चा इतना अवेयर है और इतना सेल्फ लर्नर है है आज बच्चे के पास एक्सेस है टेक्नोलॉजी का तो हम बच्चों को एक फन वे में गेम्स के थ्रू प्ले वे मेथड से उनकी क्यूरियोसिटी अराउज कर सकते हैं है? जैसे एक तरीका है कि हम बच्चे को एक वेबसाइट या रेलवेज की एप या कोई पोस्टल डिपार्टमेंट की एप उसमें एक क्वेश्चन के साथ भेजें इसको बोलते हैं वेब और अभी आगे हम होमवर्क मॉडिफिकेशन में देखेंगे भी कि जब बच्चा एक आ, उसके मन में एक प्रश्न है उसके साथ वो वेबसाइट को देख रहा है चाहे वो रेलवे की वेबसाइट देखे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देखे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की देखे तब बच्चे में जिज्ञासा बढ़ती है

क्वेश्चन टू वॉट आर द डिफरेंट काइजेश पब्लिक सेक्टर क्वेश्चन थ्री लिस्ट द नेम्स ऑफ सम एंटरप्राइजेस अंडर द पब्लिक सेक्टर एंड क्लासीफाई देम ये तो हमारी एनसीआरटी की टेक्सट बुक में क्वेश्चंस हैं, पर हमने उनको मॉडिफाई किया है कि बच्चा पढ़ेगा न्यूज़पेपर में जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स काफी कवर करते हैं पब्लिक सेक्टर को सो रीड द न्यूज पेपर एंड कलेक्ट न्यूज पेपर आर्टिकल्स रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस इन द पब्लिक सेक्टर इतने चेंजेस हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर में कि रोज के न्यूज पेपर में आप देखेंगे कि कैसे रेलवे की सेफ्टी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ कोई एनिमल क्रॉस कर रहा है तो उसकी सेफ्टी क्या मेजर्स ले रहे हैं हम कैसे और कोल और मेटल्स मिनरल्स के एरिया में लाइफ इंश्योरेंस के एरिया में बहुत न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं तो हम एक कोलाज बना सकते हैं जिसमें पिक्चर्स भी जो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं और न्यूज रिपोर्ट्स रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक और होमवर्क मॉडिफिकेशन है जो वेब क्वेस्ट के नाम से कि आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप इंडिया पोस्ट पोस्टल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए और टीचर बच्चे को पहले ही बोल रहा है अगर बच्चे को कोई चैलेंज है विजुअल एरिया में तो दे कैन रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट और एन ऑडियो फाइल वेयर दे विजिट द वेबसाइट ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड फाइंड आउट अबाउट थ्री थिंग्स तो बच्चे को हमने एक ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा right. की आप पता करेंगे ऑन डिलीवरी सिस्टम के बारे में एंड कहा आपको ये मिलेगा ये देखिये आप पोस्टल uh, डिपार्टमेंट की वेबसाइट में लेफ्ट साइड में मेन्यू बार है उसमें हमें आइटम मिल रहा है मेन्यू में बिजनेस एंड ई कॉमर्स तो हम बच्चे को यहाँ तक लीड कर देते हैं और बताते हैं कि आपको पता करना है बिजनेस पोस्ट ई पेमेंट एंड कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के बारे में तो जो सर बात कर रहे थे हम कि हैंड्स ऑन लर्निंग भी हो सकती भी? है तो इस तरीके से है। और बिजनेस की बात इसलिए है क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं ये भी बिजनेस ही कर रही हैं लेकिन वो हमारे वेलफेयर के लिए थोड़ा ज्यादा है जैसे हमने एक उदाहरण भी कहीं पढ़ा था कि एक ऐसा गांव था एक ऐसा शहर था जहां पर ट्रैवल करने वाली शायद एक लेडी ही थी लेकिन ट्रेन वहां तक जाती थी क्योंकि वो तब तक थी और जब तक वो रही तब तक वहां से ट्रेन गुजरती थी और वहां पर वो स्टॉप था तो ये होता है गवर्नमेंट का असर और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है जैसा आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपना आज का जो सत्र है वो यहाँ समाप्त करना होगा हम एक बार होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट और देख लेते हैं लेट्स मूव इन दी प्रेजेंटेशन प्लीज तो ये आपका होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट है इसमें आप अपना नाम मेंशन करेंगे अपना क्लास स्कूल का नाम और एक्सपर्ट और टीचर की जगह आप मिस शिवानी नागरथ का नाम मेंशन करें डेट ऑफ द सेशन जो कि आज की है और फोटोग्राफ आपका ऑप्शनल है इफ़ यू वुड लाइक टू एड इट दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस ये ई मेल फ्लैश हो रहा है क्लास एलेवंथ का इस पर आप ज़रूर ये सब कलेक्ट करने के बाद कंप्लीट uh, करने के बाद भेजें uh, हम इसे शिवानी जी के पास ज़रूर भेजेंगे मिस शिवानी थैंक यू वेरी मच यू केम हेयर फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड आई एम श्योर की बिजनेस स्टडीज बच्चों को और ज़्यादा फन वे में क्लास में पढ़ाई जाएगी uh, जितना यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी वो हमने की uh, जैसे आपने कंपैरिजन um, बताया फ्रॉम 1947 टू uh, 2022 मुझे लगता है वो भी बच्चों के लिए खासकर एक सोचने का विषय होगा कि तब कैसे काम करता था क्या फंक्शनैलिटीज़ थी और आज क्या है थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन थैंक यू पायल आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने आज का जो पूरा सेशन है उसे इंटरप्रीट किया साइन लैंग्वेज में थैंक यू वेरी मच और डियर लर्नर्स हमारा आज का ये टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का क्लास इलेवेंथ का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे हमारी तमाम प्रेजेंटेशन के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए पी एम ईव इंडिया नमस्कार